अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ अ की? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ यूज्ड इन डेटाबेसेस। की क्या है? की की बेस पर आप डेटाबेस में सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका डेटा एक टेबल है स्टूडेंट्स का, और आप कोई एक कॉलम है, ठीक है। सपोज मैं कह देता हूँ, अगर आपका नेम का कॉलम है, अगर आप अली को सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अली जो है वो क्या है, की। इसी तरह बिलाल जो है वो एक की का दर्जा रखता है। तो यानी जिस बेसिस पर आप सर्च अप्लाई कर रहे हैं ना उस डेटाबेस में, तो वो की कहलाएगी। तो देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन रीड करता हूँ। अ की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल इन अ रिलेशन। यानी की मैं किस चीज़ को कह रहा हूँ कि कोई एक एट्रीब्यूट हो सकता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा जो किसी भी टपल को उस रिलेशन में, उस टेबल में। और ये की एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, जैसे मैंने अली का नाम लिया, ठीक है, अली एक एट्रीब्यूट है नेम के कॉलम, या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकता है, ठीक है, दो कॉलम्स मिलकर जो है, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो मिलकर जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं उस टेबल की रोज को। और इस तरह फॉर एग्जाम्पल, चले मैं इस तरह से आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर एक स्टूडेंट, एक टेबल है आपका, एक उसका रोल नंबर है, ठीक है, एक स्टूडेंट आपको बताया कि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, उसने कितने मार्क्स लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो फिर देखें उसका जो रोल नंबर है वो रिपीट होता रहेगा। लेकिन जब तक वो सब्जेक्ट की उसकी आईडी उसके साथ नहीं मिलेगी, तब तक वो दोनों मिलकर उस टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 10 रोल नंबर है अगर बच्चे का, 10 रोल नंबर और साथ में सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो ये दोनों मिलकर उसके मार्क्स बनाएंगे, ठीक है। सपोज उसने जो भी मार्क्स लिए उसके इसके साथ साथ नेक्स्ट रो आपकी बनेगी 10 और साथ साथ फिजिक्स का एक और वो बन के, यानी कॉम्बिनेशन। तो इसको मैं कह रहा हूँ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि आपके टेबल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो आपकी की क्या है बेसिकली, जिसकी बेस पर आप सर्च अप्लाई कर रहे हैं। द कीज आर डिफाइंड इन रिलेशंस टू एक्सेस द स्टोर डाटा क्विकली। की के बेस पर आप डाटा क्विकली सर्च कर सकते हैं और एफिशिएंटली सर्च कर सकते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलेशन। यस, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है कि ये जो की है ना, ये आपके डिफरेंट टेबल्स में एक, यानी उन दोनों को मर्ज करने का एक किरदार अदा करती है। आप जो है डिफरेंट टाइम्स ऐसा होता है ना कि आप डिफरेंट टेबल से डाटा एक्सेस कर रहे होते हैं, तो की का एक रोल होता है कि वो दोनों टेबल्स को एक पॉइंट पर लाकर, तो उन दोनों में से आप डाटा को, आप दोनों में से उठा सकते हैं डाटा। डिफरेंट टाइप्स की कीज ज़रा देखते हैं। प्राइमरी की है बहुत इंपॉर्टेंट की है, जितनी भी कीज हैं सबसे इंपॉर्टेंट की है आपकी प्राइमरी की है। और ये क्या है, वही डेफिनेशन है की वाली डेफिनेशन। देखें आप, an attribute or set of attributes that uniquely identifies a row or record in a relation is known as primary. बस ये बात है कि प्राइमरी की में आपके पास फर्दर तीन पॉइंट्स आ रहे हैं ये वाले, तो फिर ही आपकी जो है वो, उसको हम कहेंगे प्राइमरी की। आपकी फॉर एग्जाम्पल हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है, पहली बात। हर और फिर प्राइमरी की में यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है। आपकी फॉर एग्जाम्पल, आपका जो रोल नंबर है स्टूडेंट के टेबल में वो यूनिक होगा, वो रिपीट नहीं होगा, रिपीट होने की उसकी गुंजाइश नहीं है। तो प्राइमरी की में आपका जो भी की है वो रिपीट नहीं होगी। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। यस, उसमें कोई, आप उसको ब्लैंक नहीं रख सकते। ऐसी बात नहीं हो सकती कि आपने रोल नंबर पर प्राइमरी की अप्लाई की हुई है और रोल नंबर को आपने ब्लैंक रख दिया और बाकी रिकॉर्ड उस लाइन में लिखा हुआ है, बाकी चीज नाम और एड्रेस लिखा हुआ है, रोल नंबर मिसिंग है। नो, तो अगर आपने प्राइमरी की लगाई हुई है रोल नंबर, तो आप रिकॉर्ड नहीं लिख सकते जब तक आप रोल नंबर को एंटर नहीं करते। तो प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। और नल और जीरो में फर्क होता है, जीरो इज अ वैल्यू जबकि नल जो है वो एम्प्टी होता है, राइट। तो प्राइमरी की जब भी आपसे कोई पूछ ले प्राइमरी की क्या होती है, आपने एक बताना है कि एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, रिकॉर्ड को उस टेबल में, और साथ साथ आपने ये तीन पॉइंट्स इनका जिक्र करना है, तो ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो बन जाती है। यहाँ उसने वो एग्जांपल दी, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ रोल नंबर उसने बताया कि रोल नंबर जो है उसके ऊपर देखें, उसने टेबल में शो किया हुआ है कि रोल नंबर उसकी प्राइमरी की है और सेंटर लाइन भी किया हुआ है।
बाकी जो आपके हैं वो प्राइमरी की से बाहर हैं, वो नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन, ये प्राइमरी की में नहीं आते, क्योंकि वो रिपीट हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी रिपीट हो सकती है, फोन रिपीट हो सकता है, तो इस तरह से वो जो है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास जनाब कौन सी की है? कॉम्पोजिट की। कॉम्पोजिट की क्या होती है? देखिए, प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट, यानी ये भी प्राइमरी की है मगर दो एट्रीब्यूट्स, दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल है, और उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट की भी कह सकते हैं, या कॉन्केटिनेट की भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग रिलेशन यूजेज टू एट्रीब्यूट्स, और फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके पास रिलेशन है नीचे टेबल, इसमें दो एट्रीब्यूट्स मिलकर उसके मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल देखें रो, वही जो मैंने अभी एग्जाम्पल दी, सेम उसका एक विक्टोरियल व्यू है, ये आपकी कॉम्पोजिट की है। अब सिर्फ रोल नंबर जो है ना वो आपको मार्क्स नहीं बताएगी जब तक आप उसके साथ सब्जेक्ट को लिंक नहीं करेंगे, तो ये दोनों मिलकर, रोल नंबर और सब्जेक्ट मिलकर ही आपके मार्क्स जो है स्टूडेंट के वो डिटरमिन करेंगे, यानी वन इंग्लिश, वन मैथ, वन कंप्यूटर, टू इंग्लिश, ठीक है। ये देखें यूनिक कॉम्बिनेशन है, दोनों मिलकर यूनिक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ प्राइमरी की, और वो कौन सी वाली? कॉम्पोजिट वाली। राइट जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? अ रिलेशन में कंटेन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दे कैन बी यूज। देखिए कैंडिडेट की भी वही डेफिनेशन है जो भी आपने प्राइमरी की डेफिनेशन पढ़ी या की डेफिनेशन पढ़ी, लेकिन फर्क क्या है? देखिए फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से, मैं आपसे अगर पूछूं कि आपका कौन सा नंबर है जो कि आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट का, आप कहेंगे रोल नंबर है, ठीक है। इसके अलावा आप कहेंगे जी उसका CNIC है, इसके अलावा आपने वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है, वह ड्राइविंग लाइसेंस का भी कोई नंबर है, वो भी यूनिक होगा ना सबका, ठीक है। आपका पासपोर्ट का कोई नंबर होगा अगर बनवाया, वो भी यूनिक होगा। तो ये देखिए काफी सारे अल्टरनेटिव है ना आपके पास, इतने सारे, तो इनमें से आप किसी एक को चुनकर प्राइमरी की बना सकते हैं, ये बाकी भी आपके टेबल में रहेंगे एट्रीब्यूट, लेकिन प्राइमरी की जाहिर है आपको पता है कि लाजमी एक ही होनी है आपकी, ठीक है। तो आप इनमें से किसी एक को प्राइमरी की बना सकते हैं, और अगर आप, लेकिन ये जो चार मैंने अभी आप बताया ना आपको, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और रोल नंबर, तो ये चारों मिलकर ये कहलाएंगे कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट कहते हैं उम्मीदवार, यानी प्राइमरी की बनने की उम्मीदवार, तो ये चार क्या कहलाएंगे एट्रीब्यूट्स? ये कहलाएंगे कैंडिडेट कीज कहलाएंगे। लेकिन अगर आपने इसमें से एक सूटेबल की को उठा लिया, पिक कर लिया, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर को उठा लिया, तो प्राइमरी की बनाने के लिए आपने एक उम्मीदवार चुन लिया, तो फिर रोल नंबर कहलाएगा प्राइमरी की, और बाकी जो कीज तीन रह गई हैं वो कहलाएंगी आपकी अल्टरनेट कीज, ठीक है। यानी ऑल्ट, यानी जिसको आपने सेलेक्ट कर लिया प्राइमरी की के लिए वो बन गई प्राइमरी की, ठीक है, और जो जिनको सेलेक्ट नहीं किया वो बन गई आपकी अल्टरनेट की, यानी प्राइमरी की और अल्टरनेट की दोनों कैंडिडेट कीज ही होती हैं, असल में कैंडिडेट की ही आपकी डिवाइड हो रही है प्राइमरी की में और अल्टरनेट की में। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपने जरा समझना है। अब आप इसकी डेफिनेशन रीड कर सकते हैं, तो बेसिकली कैंडिडेट की है वही प्राइमरी की भी वही डेफिनेशन थी, एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। इसी तरह कैंडिडेट की भी डेफिनेशन यही है। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ सेकेंड लाइन, द एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज एज प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की, यानी एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की के तौर पर एक्ट कर सकता है वो आपकी क्या है? कैंडिडेट की। सपोज स्टूडेंट रिलेशन कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट सच एज रजिस्ट्रेशन, यस वही एग्जाम्पल दे रहा है, अगर आपके डिफरेंट एट्रीब्यूट है, रोल, देखें रजिस्ट्रेशन नंबर और उसने रोल नंबर लिया, मैंने तो चार की एग्जाम्पल दी, यहाँ उसने दो की एग्जाम्पल दी हुई है, तो ये दोनों क्या है आपकी? कैंडिडेट की। और अगर उनमें से सपोज अल्टरनेट की जरा देखिए, द कैंडिडेट की जरा नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की, ऐसी कैंडिडेट की जिनको आपने सेलेक्ट नहीं किया वो क्या कहलाएंगी आपकी? अल्टरनेट की। सपोज आपने रोल नंबर को बना दिया प्राइमरी की, तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या बन जाएगी आपकी? वो बन जाएगी आपकी ये अल्टरनेट की। क्या आप उसको रीड कर सकते हैं? यहाँ पर जरा देखें नीचे टेबल में दिखाया गया, आपने अगर रजिस्ट्रेशन नंबर को सपोज प्राइमरी की बना दिया, ये दोनों कैंडिडेट कीज हैं, ये वाली दोनों क्या है? कैंडिडेट कीज हैं, क्योंकि ये दोनों उम्मीदवार है प्राइमरी की बनने की उम्मीदवार है,
लेकिन अगर आपने एक को बना दिया, सिलेक्ट कर लिया रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी, तो फिर दूसरी क्या बन जाएगी? ऑल्टरनेट की। लेकिन है ये दोनों कैंडिडेट कीज, और कैंडिडेट की भी डेफिनेशन तकरीबन वही है जो प्राइमरी की डेफिनेशन है, यानी यूनिकली आइडेंटिफाई करना सबने। राइट जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी की है? लेट्स सी, मस्ट बी फॉरेन की। यस, फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में जब हमने की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका डाटा एक से ज्यादा टेबल में बिखरा होता है। ज़ाहिर है सारा डाटा एक जगह पे आप नहीं रख सकते, स्टूडेंट के टेबल में सारा डाटा नहीं आ सकता। आपको एक अदारा कॉलेज का अगर डाटा है तो वहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी स्टूडेंट के टेबल में, टीचर्स की इंफॉर्मेशन होगी टीचर्स के टेबल में, कोर्सेज की इंफॉर्मेशन होगी कोर्सेज के टेबल में। तो अगर आप सारा डाटा एक ही टेबल में अगर इकट्ठा कर देंगे तो फिर तो एक खिचड़ी सी पक जाएगी, ठीक है ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा डाटा को मैनेज करना। तो होता यह है कि आप डाटा को अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं उसके, ठीक है, स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स का डाटा स्टूडेंट की एंटिटी में, तमाम टीचर्स का डाटा टीचर्स की एंटिटी में, और जाहिर है वो तमाम टीचर्स जो हैं उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो शेयर कर रहे हैं, उनके एट्रीब्यूट्स बिल्कुल यकसा हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके जो है ना एट्रीब्यूट वो सबके यकसा हैं, इसीलिए आपने उसको उस ग्रुप में ऐड किया। अब जाहिर है जब आपने डिवाइड कर दिया ना इस तरह से टेबल्स को, तो फिर सुनता है ऐसा होता है कि आपने डेटा को उठाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जनाब, टीचर अली कौन कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो फिर जाहिर है आपने अब दो टेबल्स को लिंक करना है। अब जब ये बात आ गई ना, लिंक करके आपने डेटा को निकालना है टेबल्स में से, डेटाबेस में से, तो फिर आपको कोई एक कॉमन कॉलम चाहिए दो टेबल में से। जब तक कॉमन कॉलम नहीं होगा ना दो टेबल्स में से, तब तक आप उसको लिंक नहीं कर सकते। तो वो जो प्राइमरी की है वो असल में कॉमन कॉमन एक आपको एलिमेंट प्रोवाइड कर रही है ताकि आप उनको लिंक कर सकें दोनों। अब देखें यहाँ पे ये जो टेबल आपके पास, एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, वन उसका रोल नंबर है अली, फैसलाबाद में वो रहता है, ये स्टूडेंट का टेबल है। और मगर स्टूडेंट कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, ठीक है, एक स्टूडेंट कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, उसने क्या मार्क्स लिए, तो वो ये दूसरा टेबल है जो आपको ये बता रहा है, ये अलग टेबल है और ये आपका अलग टेबल है। तो दो डिफरेंट टेबल्स में डिफरेंट इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, मगर अगर आप लिंक करना चाहते हैं इन दोनों टेबल्स को, तो वो एक कॉमन कॉलम है, देखें कौन सा, रोल नंबर का। यहाँ पे ये जो रोल नंबर है प्राइमरी की के तौर पे एक्ट कर रहा है, जबकि दूसरे टेबल में ये एज फॉरेन की के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। और फॉरेन की में आप देखें एक और चीज नोट करें आप, यहाँ वन रिपीट हो रहा है, जबकि यहाँ पर प्राइमरी की वाला टेबल जो है ना, रोल नंबर जहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ ये वन रिपीट नहीं हो रहा, ये वन एक ही दफा आएगा। जबकि तो इसको मैं कहता हूँ पेरेंट रिलेशन, ठीक है, पेरेंट टेबल, जबकि इसको मैं कहता हूँ चाइल्ड टेबल। आपको पता है यहाँ पे एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, देखें तीन चाइल्ड चिल्ड्रन है। इसी तरह यहाँ पर टू है, अगर ये पेरेंट है टू, तो यहाँ पे इस टू के तीन चिल्ड्रन है जो कि रिपीट, यानी वैल्यू रिपीट हो रही है ना फॉरन की में, तो ये टेबल आपका फॉरन की का टेबल है, जबकि ये टेबल आपका प्राइमरी की का टेबल है। और से आप कहेंगे पेरेंट टेबल या पेरेंट रिलेशन, और से कहेंगे आप चाइल्ड टेबल या चाइल्ड रिलेशन, राइट। जबकि इस टेबल की जो फॉरेन की वाला टेबल है, इसमें दोनों ये सब्जेक्ट और रोल नंबर मिलकर इस टेबल की ये प्राइमरी की बना रहे हैं, क्योंकि जाहिर है एक अकेला रोल नंबर तो नहीं बना सकता प्राइमरी की, क्योंकि ये रोल नंबर रिपीट हो रहा है, आप देखें वन वन तीन दफा, टू भी रिपीट हो रहा है, तो वन इंग्लिश रिपीट नहीं हो रहा, वन मैथ रिपीट नहीं हो रहा। तो आपको पता है हर टेबल की कोई ना कोई प्राइमरी की होती है, इस टेबल की प्राइमरी की जो है ना ये वाला लेफ्ट वाला, इसकी ये कॉम्पोजिट नहीं है, सिंगल एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है, एक ही कॉलम पर, जबकि इस टेबल की प्राइमरी की जो कॉम्पोजिट है दो टेबल, ये जो दो कॉलम्स हैं मिलकर इस टेबल की प्राइमरी की बना रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की। अब आप इसको अगर रीड करते हैं फॉरेन की को, तो फॉरेन की आपको समझ आ गई है कि ये देखें ये कॉलम रोल नंबर का जो कि किसी दूसरे टेबल में, यहाँ इस वाले टेबल में एज प्राइमरी की के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो फिर आप इस रोल नंबर वाले को क्या कहेंगे? फॉरेन की, यानी इसका ताल्लुक इस प्राइमरी की से लाजमी है।
अदरवाइज ये फॉरेन की नहीं कहलाएगी। ठीक है जी, अब आप इसको पढ़ेंगे ना समझ आ जाएगी। अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन हुज वैल्यूज मैच अ प्राइमरी की इन अनदर रिलेशन। देखिए फॉरेन की क्या है, एक एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एक टेबल में जिसकी जो वैल्यूज हैं वो लाजमी मैच करेंगी प्राइमरी की वाले टेबल में, टेबल से। अब आप जरा देखें इस फॉरेन की में तीन ही वैल्यूज हैं, 1, 2 और 3, रिपीट तो हो रही है लेकिन ये सारी मैच कर रही है यहाँ से प्राइमरी की वाले टेबल, पेरेंट पेरेंट टेबल से इसकी वैल्यूज मैच कर रही है। तो ये कोई और, ये जो चाइल्ड टेबल है ये कोई और वैल्यू नहीं उठा सकता 1, 2, 3 के अलावा, ये 4 नहीं ले सकता क्योंकि 4 यहाँ पर है ही नहीं। तो इसने वही वैल्यू उठानी है जो आपके पेरेंट में पड़ी हुई है। अच्छा जनाब, द रिलेशन इन विच फॉरन की इज क्रिएटेड इज नोन एज डिपेंडेंट रिलेशन या चाइल्ड रिलेशन। आप इसको, ये जो राइट साइड वाला टेबल है इसको आप चाइल्ड टेबल भी कह सकते हैं और डिपेंडेंट टेबल भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है पेरेंट वाले टेबल पर, क्योंकि ये वहीं से उठा रहा है, जबकि ये आपका पेरेंट टेबल जो है ना ये इंडिपेंडेंट टेबल है, इसे आप कहेंगे इंडिपेंडेंट क्योंकि आजाद है, इसका चाइल्ड वाले से कोई वो नहीं है, ये अपने तौर पर ही अपडेट रह सकता है, इसमें आप एडिट कर सकते हैं, जबकि इसको फॉरेन की वाले टेबल को आप उस तरह से एडिट नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है, हर वैल्यू वहीं से उठाता है पेरेंट टेबल से। राइट, तो ये जो कनेक्शन है ना ये बड़ा जरूरी है, जब आप टेबल्स, डिफरेंट टेबल्स होते हैं आपके डेटाबेस में, इस कनेक्शन के बगैर, इस प्राइमरी की और फॉरेन की वाले कनेक्शन के बगैर आप कोई, यानी इन टेबल्स को मर्ज ही नहीं कर सकते, आप इनको लिंक ही नहीं कर सकते, और इन्फॉर्मेशन से अगर इन्फॉर्मेशन निकालनी है ना, रिट्रीव करनी है, तो लाजमी आपको एक कॉमन कॉलम चाहिए। अच्छा जी, आप इसे रीड कर सकते हैं, इसके अलावा एक दो की बस रह गई है, इसको रीड कर लेते हैं ताकि आपका ये वीडियो जो है ना कंप्लीट की पर हम इसको कर लें। सेकेंडरी की क्या होती है, सेकेंडरी की इज एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज टू एक्सेस और रिट्रीव रिकॉर्ड्स। सेकेंडरी की वैल्यूज मे नॉट बी यूनिक। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्राइमरी की और सेकेंडरी की में आपको फर्क पता होना चाहिए। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, आपके रोल नंबर आपकी क्लास में एक ही होगा ना, दो कोई से दो स्टूडेंट्स का एक रोल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी की जो है ना वो आपकी रिपीट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक टेबल है जिसमें मैं कहता हूँ जनाब थर्ड ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, उसमें फोर्थ ईयर के भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, फिर सेकेंड ईयर के भी हैं, फर्स्ट ईयर के भी हैं। तो क्लास वाला, अगर मैं क्लास वाले कॉलम को कह दूं कि ये सेकेंडरी की है, क्योंकि की तो वही होगी ना जो कुछ डिटरमिन कर रही है, प्राइमरी की में वो डिटरमिन कर रही है सिंगल रिकॉर्ड, रोल नंबर के अगेंस्ट आपको सिर्फ हमेशा एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। लेकिन सेकेंडरी की के अगेंस्ट अगर आप कुछ फाइंड करते हैं, मैं देखिए सेकेंडरी की मैं लिखता हूँ थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के अगेंस्ट अगर 50 बच्चे मेरे सामने आ जाते हैं तो उसने फिल्टर कुछ किया ना, बेशक 50 बच्चे सामने आए आउट ऑफ 400, तो उसने कुछ फिल्टर करके आपको दिया ना, बाकी 250 350 बच्चे उसने जो है वो फिल्टर कर दिए, आपको नहीं दिखाए, सिर्फ 50 थर्ड ईयर के बच्चे उठाए, यानी तो थर्ड ईयर है आप, उसने यानी क्लास को आपने बना दिया सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी की से मुराद आप, यानी ये यूनिक नहीं होती, ये प्राइमरी की तरह यूनिक नहीं होती, आपको काफी सारे रिजल्ट्स जो है ना एक ही क्यूरी में प्रोवाइड कर देती है, ग्रुप ऑफ रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके एक यूनिवर्सिटी में, एक क्लास में बहुत सारे सिटीज के बच्चे हैं, ठीक है, रावलपिंडी से भी हैं, लाहौर से भी हैं, और जनाब इस्लामाबाद से भी हैं। अगर आप लिखते हैं ना रावल सिटी, सिटी को आप कह सकते हैं, सिटी पे आप सेकेंडरी की अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलम पे, क्यों, क्योंकि ये इसको, ये यूनिक ना भी हो तब भी आपको कुछ वैल्यूज उस ग्रुप, ये ग्रुप करके आपको रिकॉर्ड दे देगा, रावलपिंडी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो रावलपिंडी वाले उठाकर आपको दे देगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स दे रहा है जिस तरह फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो सेकेंडरी की बेसिकली, जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ लें, इट इज एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज टू एक्सेस और रिट्रीव रिकॉर्ड्स। यानी ये आपको, अब यहां से यूनिक की बात नहीं की, याद रखें प्राइमरी की में यूनिक की बात करता, यहां पे वो यूनिक की बात नहीं कर रहा, बल्कि दैट कैन बी यूज टू एक्सेस और रिट्रीव रिकॉर्ड्स,
यानी इस की को आप यूज करते हैं रिकॉर्ड्स उठाने के लिए, बहुत सारे रिकॉर्ड्स का एक ग्रुप उठाने के लिए। सेकेंडरी की वैल्यूज मे नॉट बी यूनिक, ये यूनिक नहीं होती, ये जरूरी नहीं है कि यूनिक हो, भी सकती है। रावलपिंडी का एक ही स्टूडेंट था क्लास में, इत्तेफाक से एक ही आ गया। वन सेकेंडरी की वैल्यू में रेफर टू मेनी रिकॉर्ड्स, एक आप वैल्यू देंगे उसके अगेंस्ट काफी सारे रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिटी के अगेंस्ट काफी सारे बच्चे हो सकते हैं किसी सिटी से। राइट नेक्स्ट आपकी लास्ट की है जी सॉर्ट या कंट्रोल की। देखिए आप नॉर्मली, आपको पता है कि डेटा बेस में आपके टेबल में डेटा सॉर्टेड नहीं होता, ठीक है। रोल नंबर पर आपने प्राइमरी की लगाई हुई है, मगर रोल नंबर के हिसाब से डेटा सॉर्टेड नहीं है, वो यूनिक जरूर है, रोल नंबर सारे यूनिक होंगे, ठीक है, लेकिन सॉर्टेड नहीं है वो, ना असेंडिंग ऑर्डर में और ना डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर आप चाहें तो सॉर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको की अप्लाई करनी पड़ेगी, उसे कहते हैं सॉर्ट की। अगर आप किसी भी कॉलम पर, चाहे आप नेम पे अप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो सॉर्ट हो जाएगा। अगर आप रोल नंबर पे अप्लाई कर दें, अलग यानी अलग से आप ये काम कर सकते हैं सॉर्टिंग का, लेकिन नॉर्मली जो है ना, आप नॉर्मली आपके टेबल में ये जो रिकॉर्ड्स हैं इस तरह से, ये सॉर्टेड नहीं होते जब तक कि आप उस पर सॉर्ट की या कंट्रोल की अप्लाई नहीं करते। तो सॉर्ट की डेफिनेशन देख लें, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज यूज टू फिजिकली सीक्वेंस द स्टोर डेटा इज कॉल्ड सॉर्ट की। एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो यूज होता है फिजिकली सीक्वेंस करने के लिए, स्टोर डेटा को फिजिकली जो है ना, आप उसको सीक्वेंस कर सकते हैं, एक ऑर्डर में ला सकते हैं उसको, तो इट मीन्स आप उसको फिर क्या कहेंगे, कंट्रोल की। स्टोर डेटा कैन बी स्टोर इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, तो जो आपका स्टोर डेटा है वो सॉर्टेड वे में स्टोर होगा यूजर की रिक्वायरमेंट के लिहाज से, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वट एवर। तो ये थी आपकी कीज, और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये डेटाबेस का, आप इसमें लें डेटाबेस की जान है इसमें, कीज के कॉन्सेप्ट में ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, थैंक यू सो फार, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, सी यू इंशाल्लाह टुमारो, अस्सलाम वालेकुम।